कार्तिक मास महात्म्य 22वां अध्याय। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा का महत्व बताकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के संबंध में एक पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे महर्षि, सभी गोपियों में राधा जी ही कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों है, तथा यह भी बताइए कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पूजा क्यों होती है। यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, पहले मन्वंतर में प्राचीन वोही नामक एक राजा था, जिसने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया। वह उस मंदिर में नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन किया करता था। उसी नगर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी रहती थी, जो प्रेम विफल होकर भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। उसकी एक ही लालसा थी कि वह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और मंदिर में भगवान के समक्ष नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए। तब भगवान के दूत उसे दिव्य रथ पर बैठाकर स्वर्ग में ले गए, जहां वह चंद्रकीर्ति नामक एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्यमयी देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर मन ही मन में कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त मेरा पति अन्य कोई नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसने मन में भगवान की छवि धारण की और नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद ही दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवतागण एवं देवांगनाएं ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का वृत्तांत सभी देवताओं को बताया और आज्ञा दी कि आप सभी देवता ग्वाल बाल के रूप में एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर धरा पर भगवान की सेवा करें। तब देवांगना चंद्रकीर्ति ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पितामह, मेरी पूर्व जन्म की यह इच्छा है कि भगवान मेरे साथ नृत्य करे, कृपा कर मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ सिद्ध करे। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा कि तुम नंदगांव में वृषभानु नामक गोप के यहाँ जन्म लेकर सभी गोपियों में भगवान की सबसे अधिक प्रिय होगी। भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रासोत्सव में तुम ही भगवान के साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी के इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया। हे राजा पृथु, सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। हे राजन, जो जन भगवान कृष्ण और राधा जी के अवतार की इस कथा को पढ़े या सुनेंगे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। बोलो श्री राधा कृष्ण जी की जय। कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, इतनी कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, यम पंचक काल कौन सा है तथा उसमें दीपदान का क्या महत्व है। तब नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक का समय यम पंचक काल कहलाता है। कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस कहा जाता है। इसकी रात्रि में यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। दीपदान करने से अकाल मृत्यु आदि का भय नहीं रहता। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपयव्य होकर अर्थात दाहिने होकर जल में तिल मिलाकर और तीन तीन अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्युवा, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, औदुम्बराय, दधनाय, परमेष्ठिने, बकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करें। तत्पश्चात सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में और
वृक्ष सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआ, बावड़ी, खेत, गली, चौराहा, स्मशान आदि पर दीपक जलावे और श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करे। श्री नारद जी बोले, हे राजन, यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्यफल प्राप्त होता है। इसके बाद किसी कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी को भोजन कराना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या को दीपावली के दिन भी स्नानादि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर संध्या काल में तुलसी के समीप मंदिर, नदी, पर्वत, स्मशान, गौशाला तथा चौराहे पर दीपक जलाना चाहिए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति कर उन्हें जगावे। हे राजन, जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति के जागने से पूर्व ही जाग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी श्री भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती है। अमावस्या के दिन बच्चों, वृद्धों एवं रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे और सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को तोरण, वंदनवार आदि से सजाकर दीपक जलाने चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और अमावस्या को पूरी रात लक्ष्मी जी के समक्ष गीत गाए, स्तुति करे एवं नृत्यादि कर पूरी रात हर्षोल्लास से बितावे। घर में एक दीपक रात्रि भर जलता रहना चाहिए। हे राजन, उस रात लक्ष्मी जी सब घरों में जाती है और जो घर अधिक सुंदर, स्वच्छ एवं पवित्र होता है वहाँ दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि का जब शेष रह जाए तो दरिद्र रूप घर के कूड़े करकट को सूप अथवा पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से सदा परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन किया था। गोवर्धन वाले दिन सायंकाल में गौ एवं वृषभ की पूजा करके अपने परिवार के लिए भरण पोषण और रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन सायंकाल में राजा बलि एवं उनकी पत्नी विंध्यावली का पूजन एवं दानादि करने वाला परिवार सदा सुखी एवं समृद्ध रहता है।